हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेसर माइल्स के निकोबार मॉडल के 3 ट्रॉली सेट के बारे में। ये हार्ड साइड ट्रॉली सेट है और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। हालांकि आप लोग ये नेसर माइल के ओरिजिनल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप अमेजोन, स्नैपडील या फिर कोई और भी बाइंग साइट से भी ये कंपेयर करके ख़रीद सकते हैं। ये 6 कलर ऑप्शन में आता है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने पैकेजिंग बहुत घटिया किया था, लेकिन प्रोडक्ट जब बाहर निकला तो वो एकदम वेबसाइट के पिक्चर की तरह ही था। नेसर माइल्स का लोगो, टेलीस्कोपिक हैंडल, प्रीमियम डिज़ाइन, कलर एकदम बहुत मस्त लग रहा था। इसका स्पिनिंग, इसका स्लिक डिज़ाइन, इसका अपीलिंग लुक ये बता रहा था कि ये प्रोडक्ट कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत प्रीमियम है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। इसका साइड चेन बहुत प्रीमियम था। चेन में लॉक जो था वो 3 नंबरिंग सिस्टम वाला लॉक था, जिसको अपर ऐसे करेंगे तो वो खुल जाता है। फिर उसको खींच के आप नंबर को रोटेट करके अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसका चेन के ऊपर में थोड़ा देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रैप है। इस स्ट्रैप का पर्पस है आपके चेन के अंदर से पानी ना घुस जाए। ये बोला जाता है कि ये स्क्रैच प्रूफ है, तो मैं थोड़ा पुश करके देखा इसको। इसके अंदर में 2 और ट्रॉली बैग हैं जिसका वेट भी है कुछ, तो ये पूरा एकदम लोड फ्री तो नहीं था। तो मैं इसको उठा के देखा कि वो इसमें थोड़ा कोई स्क्रैच आता है कि नहीं आता है, बट ये प्लास्टिक का मटेरियल बहुत सॉलिड है, बहुत फ्लेक्सिबल है और ये लोड भी बहुत ज़्यादा ले सकता है। थोड़ा सा धूल था सर्विस में जो ये बैग ने कैच कर लिया है, लेकिन इसको जब मैंने हाथ से रगड़ दिया तो ये फिर से वो स्लिक डिज़ाइन में वापस आ गया, कोई स्क्रैच या कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब है धूल वाले स्क्रैच से तो ये धूल से तो कोई स्क्रैच होगा नहीं। आगे देखिए, मैंने इसमें अपना जो वज़न है वो भी डाल के देखा है कि कितना वज़न ले सकता है। मेरा वज़न करीबन 80 किलो है, तो इसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जब भी मैं पैर को बाहर कर दे रहा था, लोड फ्री कर रहा था, वो डिज़ाइन फिर से बैक हो रहा था। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लॉन्ग रूट में या फिर इंटरनेशनल रूट में लगेज कैसा टेंशन में आएगा, कितना टेंशन में आएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। और कपड़ों के बैग में बहुत सारे डिफॉर्मिटीज होते हैं, कभी फट जाता है, लेकिन हार्ड साइड वाला ये वाला बैग ये शायद ये सब झेल लेगा। आगे देखिए, ये चेन जो मैंने बोल रहा था कि प्रीमियम वाला एकदम चेन है, आप थोड़ा देख सकते हैं कि चेन कितना स्मार्ट लुकिंग है। और इसके ऊपर जो लेदर का शीट लगा हुआ है, इसका काम ही है कि अगर रेन वेन होता है, शायद बस के छत में आपका लगेज है, तो ये चेन उसको परमिट नहीं करेगा वाटर। इसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है, ये सिंगल रैपिंग चेन है, इसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है। इसका एक्सपेंशन काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है और शायद इसके ज़्यादा आपको लगेगा भी नहीं। चलिए इसके अंदर में क्या है वो भी खोल के दिखाते हैं आपको। इसके अंदर में है और 2 ट्रॉली का सेट। ये वाला है लार्ज साइज़, ये जो दिखा रहे हैं इसके अंदर है मीडियम साइज़। ये मीडियम के अंदर में है छोटा वाला। बहुत स्पेसी है कंपार्टमेंट्स। टेलीस्कोपिक हैंडल के तरफ एक चेन लगा हुआ है, जिससे आप कोई रिपेयर वर्क करना हो तो कर सकते हैं। एक डिवाइडर है जो चेन से 2 कंपार्टमेंट को अलग करता है, अलग ब्रैकेट्स भी हैं। और एक नेट वाला पोर्शन दिया हुआ है डिवाइडर के में। अगर कोई एसेंशियल चीज़ आपको नज़र में रखना है, नज़र के सामने, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं बहुत इजीली। ये लॉस्ट होने का बा पूरा गुम होने का कोई चांसेस नहीं है इसमें। पूरा फेयरिंग्स को ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, लगेज को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आराम से निकल सकते हैं उसको। ये आता है पूरा अंदर वाला कंपार्टमेंट। ये दूसरा कंपार्टमेंट आ गया, ये टेलीस्कोपिक हैंडल वाला नहीं है, दूसरा वाला है केसिंग, दूसरा वाला केसिंग की तरफ ये चेन ओपन होता है। ये केसिंग की तरफ आप लोग कोई चीज़ छुपा के भी ले जा सकते हैं, अगर कोई एसेंशियल चीज़ है जिसको छुपा के लेके जाना ज़रूरी है, यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कपड़े भी रख सकते हैं, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। शार्प एजेस कुछ भी नहीं है, ये केसिंग बहुत एकदम फ्लेक्सिबल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल ही है। इनसाइड में भी इनसाइड का प्लास्टिक भी बहुत स्मूथ है, और ये जो कपड़ा है ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। 8 व्हील्स, हर एक सेट में 2-2 करके, पूरा 360 डिग्री रोटेशन, इजी टर्निंग,
शायद ग्रिपिंग भी बहुत अच्छा ही देगा, अभी तो पता नहीं है, आगे देखते हैं, जितना यूज़ करेंगे उतना पता चलेगा कैसा देगा है। ये आ गया मिडिल वाला सेट, एक ही डिज़ाइन है, एक ही कलर है, सभी सेम है, एग्जैक्टली एक ही टाइप का है। इनसाइड का जितना भी कंपार्टमेंट्स है सभी एक ही टाइप का है डिज़ाइन पूरा। इसका एक ही चेंज है, वो है साइज़ का, साइज़ थोड़ा छोटा है ये, इसीलिए मीडियम साइज़ है। बड़ा वाला एवरेज 30-35 किलो तक ले सकता है, मिडिल वाला 20-25 और छोटा वाला 10-15। साइज स्पेसिफिकेशन आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगा। ये आया छोटा वाला, छोटा वाला सभी सेम ही है, बस इसका साइज लिटरेज थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा दिक्कत, थोड़ा चेंजेस है डिज़ाइन में। इसका टेलीस्कोपिक हैंडल बहुत बड़ा है और विदाउट एनी लोड ये टेलीस्कोपिक हैंडल खुल के अगर आप इसको घुमाएंगे तो शायद CGB डिस्टर्ब्ड है और ये पूरा गिर जाता है, लेकिन हैंडल को छोटा कर लेंगे या फिर हैंडल को पकड़ के घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत इजीली मैनूवर करता है। इसके साथ और एक डिज़ाइन में चेंज है, इसका साइड स्ट्रैप नहीं है और बाकियों में देखा जाए तो बड़ा वाले में ऊपर और साइड दोनों ही है, मीडियम में भी ऊपर और साइड दोनों है, लेकिन ये छोटा वाले में ऊपर वाला ही बस है, साइड वाला है नहीं, तो इसको कैरी करना होगा तो ऐसे ही उठा के लेके जाना। फाइनली प्रोडक्ट बहुत सही है, नेशनल माइल्स ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, फ्लिपकार्ट ने ये प्रोडक्ट मुझे 9000 में बेचा, तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। अगर आपको कहीं दूर जाना है तो ये लगेज आपके लिए बहुत सही है, पूरा फुल फैमिली के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।